और इतिहास सुना जाता है उत्तानपाद के पृथ्वी का सबसे पहला राजा हुआ शंभुमनु। उनके दो लड़के हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के नौ पुत्र हुए जिन्होंने नौ खंडों का राज किया। उत्तानपाद की शादी सनेतगढ़ में राजा सनेत की लड़की सुनीति के साथ में हुई थी, लेकिन भगवान के इसे करने को संतान नहीं थी। राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे। समय बीतता चला गया और रानी संतान के विरह में बहुत दुखी रहे थी। एक दिन नारद जी आए महल में, आए बेटी जब भी मैं यहां से निकलता हूं तेरा उदास मन रहता है, तू उदास क्यों रहती है? तो रानी सुनीति नारद जी को अपनी उदासी का कारण बताती है। ए महाराज, मैं इसलिए उदास रहती हूं। नारद जी के सामने क्या कहती है सुनीति, क्या हाल हाल सुल्तान जी, सौ रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हल हल बैठ काट
भजन करे सो बश्याम आज मारे करे ये काम हर के बताती है कि महाराज मेरी उदासी का कारण ये है, मैं न्यू रोऊ रंग महल में मेरे हुई नहीं संतान, पिया जी की अगत बेल चले मेरे तरुस गए अविनाशी, मेरे दीघाल राम ने फंसी सो सो दासी टहल में, लावस बतेरा ज्ञान कालज में मोह की सेल चले, जैसे कर्तव करे जमाना अपनी आई मरे जमाना, फरे जमाना सहल में दो दिन का मेहमान, आखिरी में सब तज के खेल चले, पिया जी की अगत बेल चले, आदमी हो चे मुल्क की लाठ, उसके भी बड़े बिगड़ जा ठाठ, एक दिन बैठ काट की बहल में लकड़ जार से ज्ञान, आदमी के कुछ ना गेल चले, हर के भजन करे सुबह शाम आज मारे बड़े बिगड़ के काम, मंगे राम पांची जेल में रोज रटे भगवान ज्ञान की तो भर करेल चले। जब रानी सुनीति ने नारद जी के सामने अपना उदासी का कारण बताया तो नारद जी ने नाड़ी सी मारी कि बेटी इस दुख का निवारण तो है मेरे पास, आज जोड़ती है ये महाराज इस दुख का निवारण है तो बता दो ने, तो नारद जी बताते हैं कि यो दुख तेरा या उदासी कोड में मिटेगी। क्या कहते हैं नारद जी, क्या ए अपने पति का ब्याह करवा दे, जब आगत बेल चलेगी थारे ये तेरे भी जब लड़का होगा रात का शादी करे, अपने पति का शादी करवा देगी, तेरे भी लड़का होगा और उसके भी होगा, नाम तक बताते हैं नारद जी, क्या उसका सच्चा ये उसके उत्तम करे धन हो, ये उसके उत्तम करे धन हो, ये जब फरकेगी अच्छा तुम्हारे तेरे भी जब लड़का होगा अपने पति ने आप
संगी नहीं सा गया ना गया बहुड़ के फिर आया ना और मांगे राम तने पाया ना लक्ष्मी चंद ढूंढ लिया सारे तेरे भी जब लड़का होगा राजा शादी करे दुआ। ये कह के और नारद जी चले जाते हैं। रानी मन मन में सोचे कि भाई राजा के सामने तू कैसे बतावेगी। ओरे ढाल का भेष बना लिया राजा उत्तान पाथ दरबार से जब महल में आए गम सम पड़ी गर्म दो आदमी हो और दोया में देख का उदास चेहरा हो तो दूसरा जरूर पूछेगा। राजा उत्तान पाथ रानी सुनीति से पूछती है कि के बीमारी हो रही है तेरे क्या पूछते हैं। रे मन का भेरे पता दे रानी तेरा बुझे से भरता लौट गई को तार धरे श्रृंगार। पहले नंबर पर ईसा कारण तो नहीं है क्या कहते हैं और खोटा मानस खोटा मानस घर में होते बाहर करूं रानी एक नौकर की पड़े जरूरत चार करूं रानी जितने अफसर मेरे तपे दार करूं रानी तुलसी तेरे बीमारी नुस्खा मैं तैयार करूं रानी तुलसी तेरे बीमारी नुस्खा तैयार करूं रानी तन्ने अश्क I'm not afraid.
तेरे पति की, तेरे पति की धर्मराज के नत डायरी जासे मारी तेरी एक लखाई सरकारी जासे एक आवे एक जाने लागरी एक पनियारी जासे जो संसार साजला कुआ अरे कितने जासे कर्म करेगा ना उठाए भोगता चला जाएगा। तेरे पति की धर्म राज के नित डायरी जा से मारी तेरी एक लखाई सरकारी जा से एक आवे एक भरण लाग रही एक पनियारी जा से यो संसार साध लाकुआ तू कितन्यारी जा से और जोग पटे तो मारी जा से काली पीली सार धरती के मां लौट गई क्यों तार धरे श्रृंगार ठाडू रोन लगी राजा उत्तान पात कहते तो रोण तो कम चल रहे तो मैं बहुत रो लिया हूं भाई। हमारे भतीजे है ऋषि पाल और सुखेंद्र दोनों 500 रुपये समान समान करते बार बार धन्यवाद है कि रोण तो कम चल रहे तो बहुत रो लिया मैं क्या कहा चौथे नंबर पर छक्के रो लिया आशा तृष्णा मोह माया में मज्यादा मोह लिया तेरी शान में देख देख तन अपना खो लिया जिस दिन ते तू आई थी मैं तेरा हो लिया तृष्णा मोह माया ने मज्यादा मोह लिया त्रिशान में देख देख तन अपना खोलिया जिस दिन ते तू आई थी मैं तेरा हो लिया मांगे राम जमाना टोलिया जमना घाघर पार मन का भेद बता दे रानी बूझे से भरतार। जब ये राजा ने पूछा तो नोखन लगी महाराज मेरा तो ईसाक जी कर रहा है किसा जी कर रहा है रानी सुनीति क्या कहती है क्या मेरा घरा जानने
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੇਖੀਦਾ ਉਹ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਹੋ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਜਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਪਾਲ ਦਿਖਾ ਸੋ ਸੋ ਮਨ ਕੀ
बात कही कि मैं पिहर जाऊं तो राजा उत्तान पाद भी उदास हो जाते हैं। नवलारे या उम्र के जुदा उनकी है क्या खंड जागी तू। तो राजा उत्तान पाद क्या कहते हैं रानी सुनीति से क्या क्या उम्र पुराई सराहना वो इज्जत भाई सारे में बांध दई मरियाट मनु ने पीर मर्द के बारे में बांध दई मरियाट मनु पीर मर्द के बारे में पति सती का धर्म बनिया रे कवि सती का धर्म बनिया रे उड़ पूरा तोल रे सती का या मोमत नरम कहे किसे ने भी पता चले ना भरम भरोटा भरम कहे सुबह उठ पति के दर्शन पतिव्रता का कर्म कहे पति ने जमा के भोजन जी में यो पतिव्रता धर्म कहे पति ने जमा के भोजन सुख के साथ अच्छा ढोल।
दीवाने तेरे सती मरद कया के सती का ही या मोमत भी नरम कहे किसे ने भी पता चलेना खुड़का भी नहीं उबारती किसे ने भी पता चलेना भरम रोटा भरम कहे सुबह उठ के पति के दर्शन यो पतिव्रता का कर्म कहे और पति ने जमा के भोजन जिम में यो पतिव्रता धर्म कहे स्वर्ग बराबर घर ला गए जड़े बोल में बोल रहे जासे सारे जीवन को चार आश्रम में बांटा 100 साल की उम्र लगा के इंसान की चार आश्रम बना दिए भाई कौन से आश्रम में के करना चाहिए कौन से आश्रम में के करना चाहिए कौन से आश्रम में के करना चाहिए क्या कहा है पच्चीस साल रहे ब्रह्मचारी 25 साल रहे ब्रह्मचारी दूर जगर के महल करे 25 साल गृहस्थी रह के आए गए की टहल करे 25 साल रहे बाण परस्ती दूर जगत के फैल करे 25 साल सन्यासी रह के सतलोक की सैर करे 25 साल निमराना मोड़ से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद शलारपुर से रघुवीर सिंह यादव जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद चौड़ीमल यादव निमराना मोड़ 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद साल ब्रह्मचारी रह के दूर जगर के मैल करे 25 साल गृहस्थी रह के आए गए की टहल करे 25 साल रह बाण परस्ती दूर जगत के फैल करे 25 साल सन्यासी रह के सतलोक की सैल करे उससे का भजन करे उससे के बारे में सोचे जा फिर आत्म रूप स्वरूप में मिल जा या खाली खोल रहे जा से वीर मरद दुख सुख के साथी ने ढक्किया ढोल रहे जा चौथे नंबर पे क्या कहा झोलीचंद थानेदार साहब कांकर धोपा से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद बेटा या मेरी बेटी यो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी महल अटारी से है यो मेरा नन्ना यो मेरा मामा या मेरी महतारी से है यो मेरा ससुरा यो मेरा साना या मेरी सत्यतारी से है आँख खोल के देख लियो सब मानस की बीमारी से Oh,
के यो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी महल अटारी से, यो मेरा नाना यो मेरा मामा या मेरी महतारी से, यो मेरा ससुरा यो मेरा साला या मेरी रिश्तेदारी से, आँख खोल के देख लियो सब मानस की बीमारी से, महंगे राम साधला कोल्लू घर घर छोल रहे जा से, वीर मरद दुख सुख के साथी नो ढक्के ढोल रहे जा। अब यहाँ पे अराजा उत्तान पात ने अरानी सुनीति को 15 दिन की इजाजत दे दी, क्योंकि अवधपुरी से सनेतगढ़ तक जाने का 5 दिन का रास्ता था, 5 दिन आनकर 5 दिन जानकर 5 दिन वहां रोकण के। सुनीति पहुंच जाती है सनेतगढ़ में, उसकी माँ देख के बड़ा प्यार दुलार करती है, आप बेटी तेरे लाड करूं तू आई से घने दिन में, एक त्रिशान देख के मेरे उठे डंडूले तन। जब ते बेटी तने जन्म लिया हम बंधी धर्म के डोरे, विद्या भी शादी भी कर दी, विद्या भी कर दी शहर खड़िया था गोरे, 14 साल रही माँ धोरे मेरी माया बचपन में, एक त्रिशान देख के मेरे उठे डंडूले तन। नाम कमल पर से सृष्टि जब संसार बढ़े से, जेरज अंडज शब्द उद्भेद जब परिवार बढ़े से, मात पिता सर बाहर बढ़े से, जब बेटी बारने जन्मे, ए त्रिशान देख के मरे उठे डंडूला तन। जति के भाग का रोटी लत्ता बाल्यम संग सूत्र हो से, सती बूझ ले बात पति ते फिर प्रेम का उत्तर हो से, और पति के भाग का पुत्र हो से तू रोज रटेजा बण में, एक त्रिशान देख के मरे उठे डंडूला तन। मांगे राम पार त्रिजागी नीत राखी हर में, वीर मरद का मेल बना रहे ते टोटा आवे ना घर में, बनी रागनी फाजल पुर में या ठावन के सन में, एक त्रिशान देख के मरे उठे डंडूला तन। बोली नहीं सुनी थी जब तीसरा दिन हो लिया ने, सोचाई तो माँ और भी राजी हो रही होगी, बेटी तेरे पास में आई है के माँ आई थी काम के, बेटी बता जोड़ी कर ली, क्या कहती है सुनीति क्या? Oh!
बड़ा ओट बड़ा परिवार तने जने राख्या मेरे मन थे ऊंचा महल तने जने राख्या मेरे तन का काचा सूत थान पुने राख्या मेरे बेटे बनियो मेरे कमले सुने राख्या बेटे बनियो मेरे कमले सुने राख्या पनी के मार पाप पनी के भाई मेरे रखे आदर मान सोच के खाई मेरा रखी आत्र मान सोच में आई तेरा उड़पा कल जा से मां क्या कहा चौथे नंबर पर ओए पत्थर का शल पत्थर का शल थोड़ पड़िया घसरिया से मेरा उजड़ा ढूंढ तेरा पसरिया से मेरा दीवा पुजा तेरा चसरिया से यो मूरख से संसार मने हसरिया से यो मूरख से संसार मने हसरिया से ए मंगे राम दे ढूंढ कत की राही ए रखिए चल ठोड़ पड़िया घसरिया से मेरा उजड़ा ढूंढ तेरा बसरिया से मेरा दीवा बुझा तेरा चसरिया से यो मूरख से संसार मने हसरिया से मंगे राम ले ढूंढ अगत की राही मेरा रखी आदर मान सोच के आई सुनीति की माँ इनकार करती है आए ई भी इतने बाण दिखे है फिर यत्र जी ने झाड़ हो जाएगी इनकार करती हुई क्या कहती परी खाट पे क्यों कर दे या दुनिया के तू कहगी सुन बात मेरी
से जुए के मार बुरी हो नोक के और तिया की है मेरी काची बेल नरम की याकी की तबूंगे बजूकेगी तीसरे नंबर पे क्या बहाल चक्कर में है मंगे राम फंसी चक्कर में तेरी जननी ना चुकेगी ऐसी बात में इनकार करती है सुनीति बार बार गिड़गिड़ाती रही आखिर में उस सुनीति ने अपनी माँ को मना ही दिया हाँ कर दी और सुनीति वापस अवधपुरी में आ जाती है अवधपुरी में जब आई तो राजा उत्तान पात कहने लगे अरे इब तो कहाँ भी जाई इब के रह गया तो सुनीति राजा उत्तान बात से क्या कहती है क्या है उम्र Yeah.
तक का खुसर पानी कौन देगा भरतार अमर पुरानी धोले आगे कौन करेगा मारे घर की। राजा पूछते हैं क्या कहना चाहती है तू कि मैं जब मेरी मानोगे ना तो न्यू कर लो ना तो पछतावा रहेगा। क्या कहती है सुनीति राजा उत्तान पात से क्या हो मेरे कहे आठ बजे सी बना रसोई
को जमावेगा हंडे चून कल्या ढकनी में वो किस पर तू Keep
आशा बहु देवा देगा जब नक्शा ढीला हो जाएगा ढीला हो लेगा कौन सा बहु जवा देगा जब नक्शा ढीला हो लेगा तेरा घूमड़ा जब फूट कति पाक के लीला हो लेगा लक्ष्मी चंद गुरु का आग जबर वसीला हो लेगा मांगे राम मेरी बातन तू तन साची गोड़ेगा मैं मर गई तो सजन मरे तू किसके तलवे रोड़ेगा। जब रानी ने इतनी बात कही राजा उत्तान पात कहते को भुका गया तुम्हें क्या भौका नहीं गया। नारद जी आए थे और नारद जी ने कहा नारद के बोल मेरे हर देश समाज बड़े भाई देवदत्त 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। के नारद के बोल मेरे हृदय समाए हो मेरे कहे तो ब्याह करवा ले तन की कली खलेगी जब मारी अगत बेल चलेगी माया मिलेगी हो जा मन के चाहे हो नारद के बोल मेरे हृदय समाए हो कदे बिना खाली जाति में हरिशियों की बाणी तू राजा में रानी मारी उम्र पुरानी हम सा खाए कमाए हो नारद के बोल मेरे हृदय समाए हो बेटे बिन मोक्ष नहीं मिलता चे लाख वर्ष तक जीले लक्ष्मी चंद के छंद रसीले गढ़ रे से किले कौन हलते हलाए हो नारद के बोल मेरे हृदय समाए हो। नारद जी ने कही है जब अपने पति की तू दूसरी शादी करवा देगी तो तेरे भी लड़का होगा उसका भी होगा न बोला रखे के बाड़क खिलावेगी तू तेरी ब्रेन मट्टी हो जाएगी बुढ़ापे में। राजा उत्तान पात रानी सुनीति से क्या कहते हैं क्या रानी कड़े के खिलावे की
मेरी आजा की जान चमेले धक्का पेल लाग सेल सारे खेल खिलौने खोएगी और फिर देख मनु उसकी घनी माननी पड़ेगी और देखिए त्रिगल के कर देवा मन माने क्या कहा मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद ठोकर मारेगी शौक तो होया करे बदमाश कर दे नाश लंबे सांस घाल के सोवेगी अराई सुनीति दबाव बनाती है कि शादी करवा लो
राजा अपने विचार देता है रानी को, देखो मरे यह हमर गई प्रथा कुर्बान की रह रही है। क्या कहते है? अरे मेरी डग डग जोर पकड़ रहा से ये दोनों गोड्डे टूट लिए। क्या कहता है पहले नंबर पर? क्या कहा? लाला राम जी रेवाड़ी से
100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। दिन भर मेहनत करे किसान, फिर भी मिलता नहीं औसान, लाग जा खान खेत ने बाढ़, बाल एक मोर पकड़िया से, धनी के तो बिस्तर उठ लिए, मेरी डग डग हाल नाड़ बुढ़ापा जोर पकड़िया से, ये दोनों गोडे टूट गए। चौथे नंबर पर जो बोला क्या बनेगी मारी गैल, क्या कहा जोरी तो परो करे हीरा की, और घर में दो बीरा की लाड, मर्द एक डोर पकड़िया से, के पड़ पड़ छाले फूट लिए, मेरी डग डग हल नाड़ बुढ़ापा जोर पकड़िया से, ये दोनों गोडे टूट ले बच्चा ली आई थे अनार बात हुआ है लाइव गोडे टूट लिए। तब रानी आखिर में राजा को मना लेती है और शादी करने के लिए बरात लेके राजा उत्तान पाप सनेतगढ़ में पहुंच जाते हैं। जब वो फेरे होने लगे, तीन फेरे लेके वो सुरुचि बैठ जाती है। पंडित जी ने कहा कि बेटी के बात के दादा अगला फेरा चौथा जब लूंगी। राजा चार वचन भरे। ब्राह्मण ने राजा से पूछी के चार वचन भरने पड़ेंगे, वहां पर घिरा हुआ था, चार वचन भर लेता है, तीन वचन वहीं पर मांगती। पहले वचन में कहती है कि राजकाज में जो भी काम करेगा राजा, वो मेरी सलाह के बगैर नहीं करेगा, मेरी सलाह लेगा उसको। दूसरे वचन में कि जब मैं अपनी सहेलियों में बैठी हूं, कितना भी जरूरी काम हो मुझे ठावे नहीं उड़े। तीसरे वचन में मेरी कूक से जो संतान होगी राज की उत्तराधिकारी होगी, राज गद्दी पर वो बैठेगी। के बेटी चौथा वचन के दादा ओ मेरे मन में आवगी नहीं जब लूंगी। वहां से शादी होके और ड्योड़ा चल पड़ता है। ड्योड़ा जब अवधपुरी के नौलखे भागों में आया, सरुचि ने ड्योड़ा डटवा दिया, कहा रो राजा को बुला के जाओ। राजा उत्तान पाद को बुला जाता है, डरता डरता आया कि बुलाया जू के हाँ बुलाया है, के काम के एक वचन रह गया है, ओ लेना है। क्या कहती है सरुचि राजा उत्तान पाद से, क्या तीन वचन I'm a
हार श्रृंगार बहुत प्यारा होता है। कड़े छड़े रमझोल शौक के उठे की धनकार मंगा, छन कंगन और छन पछेली नौ लड़िया का हार मंगा, कंठा कंठी मोहन माला आठ फूल बरतार मंगा, कोटी जूड़ा शीश फूल मेरे डंडे वाली सार मंगा, मैं महारानी बनके चालूंगी राज पाट का सर से रहा, चौथा वचन ही लेना से देख कुटुम खड़ा तेरा। दूसरे नंबर पर क्या कहती है, कौन पड़ेगा मारे घर में खुद दिया धेरा
चौथा वचन ईद लेना से देखे कुटुंब खड़ा तेरा और यो काम हो जाएगा ने इसने बेरा लाग जाएगा। क्या कहा क्या कहा बाहर शहर तक कर डेरा चौथा वचन ही लेना से देख कुटुंब खड़ा किया। मैं तो न्यू सोचू था के रानी सुनीति कहती के दूसरी शादी करवा दे सुख मिल जाएगा। अरे तू यो काम करेगी क्या कहते हैं राजा उत्तान पान क्या रसने तकड़ते आके मैं सोचू था दिल सोने आके मेरी उम्र पुराई आगे।
से धर्म का डोरे मंगे राम पाम को बोले प्रसाद व्यपत का फंद मेरे सब छट के ऐसा आनंद लखमी चंद के बात मसोरे हम पंद्रे से धर्म का डोरे मंगे राम गाम के गोरे मेरा साथ बगाड़ेगी नोखन लगी जो काम कर दे ना दे ईशा काम करूंगी कड़ेगा लाल खलाओगा उन्हें टसके जागा सारी उम्र क्या कहती है क्या तेरी महारानी ने शर्प पे धरले मैं अपने घरा टकरी जाएंगी और सारा शहर खड़ा देखे मैं फंसी खाते मर जाएंगी
जो के आन पड़े कित जागा में, मैं कोयल थी कजले बन की आन फसी तो काका में, अजगर धोरे नहीं गुजारा रहे राग नागनी नाग्या में, मैं कोरी थी किसे छेले की आन फसी निर्भागा में, मैं केड़ा तू पक पटवेरी आवाज चालते चल जाएंगे, सारा शहर खड़ा देखे में फांसी खाकर मर जाएंगे, तन्न बढ़िया लगती होगी वाह, मन ने को नहीं अच्छी लगती, क्या कहा तीसरे नंबर पर नासी घल जागी, आठ पहर और 24 घंटे निर्णा बासी घल जागी, सारा शहर खड़ा देखे तेरी हो जा हंसी घल जागी, तने बुढ़ हवारे ब्याह करवाए तेरे गल में फांसी घल जागी, मांगे राम तेरी छाती पे बन काला सांप उतर जाएगी, सारा शहर खड़ा देखे में फांसी खा के मर जाए। आप राजा उत्तान पात खरे हुए ऐसा है मन से, क्या कहते हैं सरुचि से क्या ऊंट के गढ़ में yeah।
किस्मत सोनी ने पंचा के मां फेरे दे दिए चादर धोरी ले बूटा मर गए शकारी के जान हो गया गोरी ले काम पछाना मंगते फिर के कंधे धोरी ले काम पछाना मंगते फिर के कंधे धोरी ले तू भी भूखी काम भी भूखा चोट जगर में वापस सहा करे से बन्या उनका काम करावे यू दुख नया करे से जितना छोटा उतना खोटा है दुनिया कहा करे से जाथर थोड़ा बोझ घड़ा में किस तरिया ठाजूंगा हाथ हथकड़ी पाए बेड़ी में किस तरिया चालूंगा न बोला रे तू घरा भी ना गई अरे बोर डाल की बात करे क्या कहता है तीसरे नंबर पर सारी नगरी खुशी मनावे देखे बात पूत की मने डरते ने प्यार करवाया मल्ला की आंख पूत की तू घर गई ना खड़ी बाग में मार डाट पूत की Yeah, I'm
मेरे महला में घोर अंधेरा पड़ी खाली खाट पूत की, सारी नगरी खुशी मनावे देखे बाट पूत की, मन डरते ने ब्याह करवाया मेरे लागी आठ पूत की, तू घरा गई ना खड़ी बाग में मारे डाट पूत की, तू कद जाम में कद मुँह चूमू कद छाती के ला लूंगा, हाथ हथकड़ी पाए बेड़ी में किस तरिया चालूंगा। और ये लोग आई जब छत्ती पिछड़ जी आ रहे ना, जब आगे आगे ना हाथ करिया करे, जब मानस दड़ाक तो मारते ठीक ना, तो फिर ये जात लिया कर, मांगे राम ने भाव दिया है कवि ने, जब कहीं ऊपर न हो जाए अगर ना फिर काबू में नहीं आ करती है, क्या कहा है क्या बता। आत करे मेरे पेनी सेल चाल जाएगी, इस वाणे शरण्यारी कर तू मन कर के फैल चाल जाएगी, 17 साल की यारी का तू खोक मेल चाल जाएगी, क्यों के वारे प्यार करवाया मरिया कदर बेल चाल जाएगी। सेल चाल जागी, इस वाणे सरन्यारी कर दू मन कर के फैल चाल जागी, 17 साल की यारी का तू खोक मेल चाल जागी, न्यू बुढ़े वारे मन ब्याह करवाया मारी अगत बेल चाल जागी, और मांगे राम तेरी हां सारी जब घर भीतर जालूंगा, हाथ हथकड़ी पाए बेड़ी में किस तरिया चालूंगा। रानी सुनीति ने बेरा लाग गया के डोला तेरे पाका मुटट रहा है, वहीं पर आ जाती है आरता करने के लिए, तेरा करण आरता आई है बहान मार की जाए, वो जब आरता करण आई ना दोनों वापस मकाल मकाला हो रही करा के क्यों बड़ा पे में शाही घाल दी तेरे शर्म नहीं, फिर वह कहने लगी कर देना दूर मारी काएगी लड़ाई, ता दोनों जो वापस में लड़ी ने तो घना दुखी हो गया राजा उतान पात, सूली भी अच्छी सूली
ब्याह करवावे नल बुराई तो बुढ़े बार ब्याह करवावे नल बुराई तो। अरे चौबीस घंटे ठंडा बटे तू के खान दे कोना करे से शर्म सच्चाई तो शर्म सच्चाई तो। और अगर के भी तेरी अच्छा खुल जाओ कृपे गऊ के चर पे चल जा कसाई तो सकाई तो के भाई हो मैं सौ को नहीं सताई माँ की जाई महान मेरी ने मजान कर नरक में गेरी के बेरा था न्यू बन जाएगी आज हो जाएगी डूबा ढेरी मन के राम मारी तेरी या आखरी मिलाई हो तेरा ना दोष मेरी नंदी के भाई हो। दुहा की महल दिया रानी सुनीति का गोदाती मेरे चाचा रे सारे काक तई पिया ने करता मेरी नंद का भाई I'm not afraid of the dark.
रही पिया धोरे सूती बिना थाय। ओ सत्र साल रही पिया धोरे सूती बिना थाय। अरे एक कोख से पैदा होरी चौकी बाण फांसी ला दी के तू आग महल का ना चलिया मत जाइए। एक दिन राजा उत्तान पाद ने कहा सुरुचि से के मैं थोड़ी सैर कराऊं पण खन की के चलिया तो जा पर नून नहीं जाना है और अंधेरा होण तो पल्याणा जा अंधेरा हो गया ने फिर गेट नहीं खुलेगा। राजा उत्तान पाद एक सारथी लेके चले जाते हैं। आंधी तूफान आके रास्ता रस्ते से विचलित हो जाते हैं। वो अंधेरा हो गया द्वार पाए द्वार पालों ने दरवाजा नहीं खोला। उधर रानी सुनीति के पास दुहाग महल में नारद जी आ गए। सुनीति कहने लगी पूंडा थोबड़ा ले कई साल पहले तू महिला में आया था और तने न्यू कही थी अपने पति की दूसरी शादी करवा दे तेरा भी लड़का होगा उसके भी होगा लड़का तो है ना दुहाग महल में लिया है कि बेटी समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। जब समय नहीं था आज समय आ गया नवली समय को करा होगा। जब राजा उत्तान पाद इस दुहाग महल का दोहरा के नहीं लिख रहा आज तक नहीं आवेगा यहां पर फिर आकाशवाणी करते हैं और क्या होगा आज रात में क्या कहते हैं सुनीति से नारद जी क्या हमारे बीच में जगरूप सिंह साहब आए हैं यहां पर आने पर उनका बार बार धन्यवाद है पधारने पर धन्यवाद। क्या नारद जी यहां पर सुनीति से कहते हैं कि बेटी आज वो समय आ गया है क्या कहते हैं क्या बताओ thank you।
चक्कर करूंगा, तेरा वंश आ गया है। क्या कहा? शौक लात मारेगी, वहां से अवध पूरी उजड़ जाएगी। क्या कहा? तने मिले जय भजन करण की धारेगी, तेरी शौक तेरे बेटे का गोची में ठोकर मारेगी, आवे रोंगटा पास तेरे तू हाथ फेर पुकारेगी, अवधपुरी में शोर माच जा रो चढ़ जा गरबार करा, फिर तो खुद खुद पूछने लगी नारद जी आगे क्या होगा, कैसा होगा। Oh!
भगती बारा मास करे नारद छे उपदेशी के दसवें द्वार सांस के भजन करेगा ध्यान धरेगा स्वर्ग लोक में वास करे फिर उत्तम ने राज करे सब दुष्ट का नाश करे मैं के राम धरू की कन्या मैं के राम धरू की कन्या यो कौन गावे बेटी ऐसे पुत्र को जन्म देगी तू कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा नाम चलता रहेगा। बन खंड के माँ धरू चलिया जा भक्ति वारा मास करे नारद से उपदेश सीख के दसवें द्वारे सांस करे भजन करेगा ध्यान धरेगा स्वर्ग लोक में वास करे फिर उत्तम ने राज दवावे सब दुष्टों का नाश करे मांगे राम धरू की गलिया यु गुण गावे संसार करा माफी मांगे चौपड़ खेल बन के उधर द्वारपालों ने द्वार नहीं खोला राजा उत्तान पात के सुनीति याद आई और सीधे द्वाग महल में आ जाते हैं कहला की ककर आ गया वहां पर चौपड़ खेली जाती है भगवान के करने उसी रात के मिलन से सुनीति गर्भवती हो जाती है। जब सुबह राजा उत्तान पात वहां से चले के जाओ तो जोरा इतना रटे के मैंने सैनी तो दे दो एक अंगुष्ठाना राजा उत्तान पाद ने वहां पर दे दिया। ठीक 9 महीने के बाद में धरू का जन्म हो जाता है। उधर 1 साल बाद महलों में उत्तम का जन्म होता है जैसा नारद जी ने कहा था वैसा ही राजा उत्तान पाद उत्तम का जन्मदिन मनाते हैं। धरू बच्चों के साथ खेलता हुआ राजा उत्तान पाद के गोड्या में बैठ गया। सरुचि पूछने लगी बेटा तेरा क्या नाम है कि जी मेरा नाम ध्रुव है। कहां रहता है कि द्वाग महल में रहता हूं। तेरी मां का नाम क्या कि मेरी मां का नाम सुनीति। वह शक्ल मलाई में जब ध्रुव की राजा उत्तान पाद की ऊबू मिली राजा उत्तान पात को धमकाती है सुरुचि के बूढ़े लोग देख इस चेहरे ने दुहाग महल में यू कितना होया। एक बात के द्वारा वो सुरुचि धमकाती हुई क्या कहती है राजा उत्तान पात से क्या रंग महल में
रची सृष्टि नर मादा की नीम धरी और माँ की गलियां ममता लादी ममता के संग बेल हरी। सारी दुनिया कहा करे से फल मिलता है कर्म करी, जब कर्म करे बन फल मिल जाते यजुर्वेद में झूठ मिली। दुभाग दे दिया बेटा हो गया ईशा दुभाग दिया कितने, तू फेटिया नारायणी फेटी धरु ने जन्म दिया कितने। दूसरे नंबर पर क्या सारे पूरे कर देने। उत्तम तेरा अंशिश है तू ताज शीश पर धर देने। कोयल जम में कौआ पाले के फूके इस नर देने। तू आग महल की रानी से तू काट रांड का सर देने। ना तई मारूंगी लात धरूके लर्ज फेर हिया कितने, तू फेटिया ना रानी फेटी धरू ने जन्म दिया कितने। अरे एक बार शक्ल देखिए और इसकी गड़मई अंगुस्ताना बंद रहा के तेरा कौन है यू क्या कहा चौथे नंबर पर। Yeah.
मासी का डेरा से छतरी को ओ जरगे से तन रंग बदलन का डेरा से ओ छतरी को ले जरगे से तन रंग बदलन का डेरा से ओ मंगे राम कोई बेर सूख ओ मंगे राम कोई बेर सूख पिया लट फिर किया गड़ में पड़ी निशानी अंगुस्ताना तेरा से थारी दोनों की शक्ल मिले और कती एक साथ चेहरा से न्यू तो मैं भी जान गई थारा बदमाशी का डेरा से छतरी कोना गिरकट से तन रंग बदलन का बेरा से मंगी राम गई बेल सूख लागी फेर दिया कितने तू फेटा ना रानी फेटी धरू ने जन्म दिया। जब रानी सुरुचि को पूरा यकीन हो गया क्यों राजा उत्तान पाद बोलने से बंद हो गया, जब मानस ना बोला तो चोर साबित हो गया। सरुचि ने धरु का लात मारी, बड़ा दुखी होता है राजा उत्तान पाद। I'm gonna make it.
मंदिरी जो ज्ञान कराना जान रही वाचाया पैर शसनिया गुदा मैल को फाल रही तक सुग्रहण और छोत्रवानी धरना ठीक बखान रही सल से पड़ती करम इंद्री जो तन तंबू को तान रही नाता है एक जीव जीव ने जीवन खातर जीव जीव को खाता है ये पुत्र जीव में पिता जीव तू जीव जीव की माता है मांगे राम जीवना चाहवे जीव इतने रट भगवान धरु धर्म से दूर नहीं आत्म स्वरूप मेरी संत मेरे लिए आदमी जगुरु सिंह साहब सौ रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है होशियार सिंह प्रिंसिपल साहब माचल से सौ रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है यहाँ से रोता हुआ ध्रुव सुनीति के पास में आता है के पूछता है कि माँ मेरे पिता को राज किसने दिया था कि तेरे दादा ने कि मेरे दादा को किसने दिया था पूछता पूछता अंतते सुनीति ने कह दिया कि भगवान ने दिया था कि फिर पके लेंगे भगवान ने पलेंगे पांच साल का ध्रुव भक्त बनखन में निकल जाता है भक्ति करता है दुष्टों ने यावतपुरी का जो राज भ्रष्ट हुआ था उत्तम के पास राज नहीं था और भी ध्रुव ने राज दिलवाया ये इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाता है क्योंकि जब तक ध्रुव का नाम रहेगा उत्तान पाद सुनीति उनका भी जकरा चलता रहेगा।